बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पिक के प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल होता है एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में। साथ में ये भी हम देखेंगे कि रोम से कोड को फेच कैसे किया जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। इसके अलावा हम प्रोग्राम या कोड रोम स्पेस को भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम काउंटर एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है। इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है और ये एड्रेस हमेशा उस इंस्ट्रक्शन का होगा जिसने अगली बारी में एग्जीक्यूट होना हो। द प्रोग्राम काउंटर इज यूज बाय द सीपीयू टू पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एक इंस्ट्रक्शन तो वो होती है जो अभी एग्जीक्यूट हो रही होती है और एक इंस्ट्रक्शन वो होगी जिसने इसके बाद एग्जीक्यूट होना होता है। सो प्रोग्राम काउंटर के अंदर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिसने अगली बारी में एग्जीक्यूट होना हो। जैसे ही सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम रोम से फेच कर लेता है या प्रोग्राम रोम से एक इंस्ट्रक्शन को उठा के ले आता है, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है ताकि ये अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर सके। प्रोग्राम काउंटर में चूंकि मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस स्टोर होता है, सो जितना एक प्रोग्राम काउंटर का साइज ज़्यादा होगा उतना ही हम ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर प्रोग्राम काउंटर का साइज 8 बिट है तो हम 2^8 मेमोरी लोकेशंस को, रोम लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पिक 12F फैमिली की बात करें तो पिक 12F फैमिली में प्रोग्राम काउंटर का जो साइज है वो 12 बिट का है, सो हम वहाँ पर 2^12 मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह पिक 16F की जो फैमिली है उसमें प्रोग्राम काउंटर का साइज 14 बिट का होता है, सो हम 2^14 या 16 किलो मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं। अगर पिक 18 की बात करें तो पिक 18 फैमिली में प्रोग्राम काउंटर का जो साइज है वो 21 बिट का होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें 21 बिट का एड्रेस स्टोर होता है, सो हम 2^21 या 2 मेगा की कोड रोम स्पेस को एड्रेस कर सकते हैं। 2 मेगा अच्छी खासी मेमोरी होती है कोड स्टोर करने के लिए। ये बात याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि पिक 18 फैमिली की हर मेंबर का जो प्रोग्राम काउंटर हो वो ये याद रखिए कि पिक 18 फैमिली के हर माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास 2 मेगा की कोड रोम अवेलेबल है। ये वेरी कर रहा होता है फ्रॉम चिप टू चिप, लेकिन जो मैक्सिमम मेमोरी हम कह सकते हैं पिक 18 फैमिली की वो 2 मेगा तक होती है, जो कि 21 बिट प्रोग्राम काउंटर उसको एड्रेस कर सकता है। क्योंकि जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बताया कि पिक 18 फैमिली में मैक्सिमम हमारे पास ऑन चिप रोम 2 मेगा का होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पिक 18 की हर फैमिली के हर चिप में हमारे पास रोम का साइज 2 मेगा ही हो। ये वेरी कर रहा होता है फ्रॉम चिप टू चिप। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम पिक 18F2220 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रोम स्पेस जो अवेलेबल होता है वो होता है 4 किलो का। सो 4 किलो का मतलब ये है कि स्टार्टिंग एड्रेस तो खैर हमेशा ज़ीरो ही होगा, 0000000 स्टार्टिंग एड्रेस होगा, और जो फाइनल एड्रेस है, जो लास्ट एड्रेस है, वो अगेन डिपेंड करता है कि रोम का जो टोटल साइज़ है वो टोटल साइज़ कितना है। क्योंकि यहाँ पर 4 किलो साइज़ है टोटल हमारे पास, सो जो आखिरी एड्रेस होता है दैट इज़ 000FH। और अगर हम इसी फैमिली में पिक 18F210 की बात करें तो पिक 18F210 में हमारे पास जो रोम स्पेस अवेलेबल होता है वो 16 किलो का होता है। स्टार्टिंग एड्रेस अगर ज़ीरो है तो 16 किलो के हिसाब से जो फाइनल एड्रेस हमारा बनेगा दैट विल बी 003FHH। और अगर हम पिक 18F458 की बात करते हैं तो पिक 18F458 में हमारे पास जो ऑन चिप रोम स्पेस अवेलेबल होता है वो 32 किलो का होता है। सो अगर फर्स्ट एड्रेस, अगेन हमेशा फर्स्ट एड्रेस ज़ीरो ही होगा और फाइनल एड्रेस होगा हमारे पास 007FHH।
फाइनल एड्रेस हमेशा डिपेंड करता है कि टोटल रोम स्पेस कितनी अवेलेबल है. सो टोटल रोम स्पेस जितनी भी हो, एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब हम पिक 18 की बात करते हैं तो पिक 18 में हमारे पास मैक्सिमम रोम स्पेस 2 मेगा हो सकती है, 2 मेगा से ज़्यादा नहीं हो सकती. 2 मेगा का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग एड्रेस 0 है तो फाइनल एड्रेस होगा 1FFFFH. नाउ 2 मेगा मैक्सिमम रोम स्पेस क्यों हो सकती है, इसकी एक ही रीज़न है कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो 21 बिट का है. सो अगर हम 2^21 करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 2 मेगा ही बनता है. सो हम बेशक एक्सटर्नल रोम लगाते रहे, मेमरीज लगाते रहे, वो उसको एड्रेस नहीं कर सकेगा. पिक 18 मैक्सिमम रोम स्पेस को 2 मेगा रोम स्पेस को एड्रेस कर सकता है, इससे ज़्यादा को एड्रेस नहीं कर सकता. और इसकी रीज़न ये है कि पिक 18 में हमारे पास प्रोग्राम काउंटर का जो साइज़ होता है वो 21 बिट का होता है. ये बात तो क्लियर है कि रोम लोकेशन का पहला एड्रेस हमेशा 0 होता है. फाइनल एड्रेस क्या होगा वो डिपेंड करता है कि टोटल हमारे पास रोम स्पेस कितनी अवेलेबल है उस चिप में. नाउ इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं कि फाइनल एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. एग्जांपल है, फाइंड द रोम मेमोरी एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक चिप्स. ओके, पहले देखते हैं पिक 18F2220 को. नाउ इसकी जो टोटल रोम स्पेस जो इसमें अवेलेबल होता है इस चिप में वो 4 किलोबाइट का होता है. नाउ अगर हमारे पास 4 किलोबाइट की टोटल रोम हो, हमें पता है कि 1 किलो इज इक्वल टू 1024 बाइट्स और हर लोकेशन एक ही बाइट की है, तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोबाइट में हमारे पास टोटल 1024 लोकेशंस होंगे. सो अगर हमारे पास हम लोकेशंस की बात करें या बाइट्स की बात करें तो हमारे पास 4 × 1024 दिस इज इक्वल टू 4096 बाइट्स बन जाते हैं. नाउ 4096 बाइट्स है या 4096 हमारे पास लोकेशन है, क्योंकि हर लोकेशन एक बाइट की है. तो अगर टोटल हमारे पास 4096 बाइट्स है तो हमारे पास टोटल 4096 लोकेशंस बन गई. नाउ पहली लोकेशन 0 एड्रेस से स्टार्ट होगी. सो जो आखिरी लोकेशन होगी वो होगी 4095. नाउ 4095 को अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 0FFH. सो इसका मतलब ये है कि पहली लोकेशन 0 होगी और जो फाइनल लोकेशन होगी दैट विल बी 0FFH. पिक 18F210 को देखते हैं. पिक 18F210 में हमारे पास टोटल रोम स्पेस जो अवेलेबल होता है वो 16 किलोबाइट का होता है. सो 16 किलोबाइट का मतलब ये है, हमें पता है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. सो 16 × 1024 इज इक्वल टू 16384 बाइट्स. अगेन हर लोकेशन एक बाइट की है, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 16384 लोकेशंस. क्योंकि पहली लोकेशन 0 से स्टार्ट होगी सो फाइनल लोकेशन विल बी 16383. नाउ 16383 को अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो हेक्सा की वैल्यू बनेगी दैट इज 3FFH. सो अगर पिक 18F210 की बात करते हैं तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन इज़ एट 0 एंड द फाइनल मेमोरी लोकेशन इज एट 3FFH. इसी तरीके से अगर हम पिक 18F458 की बात करें तो पिक 18F458 में जो ऑन चिप रोम होता है वो 32 किलोबाइट का होता है. नाउ 32 किलोबाइट मींस 32 × 1024 बाइट्स, दिस इज इक्वल टू 32768 बाइट्स. अगेन फर्स्ट मेमोरी लोकेशन चूंकि 0 होगी सो फाइनल मेमोरी लोकेशन विल बी 32767. नाउ 32767 को अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करें सो इट विल गिव अस 7FFH. ओके, जब भी एक प्रोग्रामर किसी माइक्रो कंट्रोलर या किसी माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है तो पहली चीज़ जो उसके जहन में आती है कि ये माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर किस लोकेशन से स्टार्ट लेता है, या मतलब जब वो इसको पावर अप करेगा तो ये पहली इंस्ट्रक्शन किस लोकेशन से उठाएगा.
ये डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, लेकिन अगर हम पिक की बात करते हैं तो खा पिक का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो, खा वो पिक 12F फैमिली से बिलोंग करता हो या पिक 16F फैमिली से बिलोंग करता हो या पिक 18 की फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर अगर पिक का है, कोई भी चिप हो, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा पहली इंस्ट्रक्शन लोकेशन रोम की लोकेशन 0x से उठाएगा, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जब हम पिक माइक्रो कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं तो जो पहली वैल्यू इसकी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी वो होगी ज़ीरो। सो वो हमेशा पहली लोकेशन ज़ीरो से ही उठाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर प्रोग्रामर ने पिक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहली इंस्ट्रक्शन लोकेशन ज़ीरो पे बर्न करे, क्योंकि उसने ज़ीरो से ही स्टार्ट लेना होता है। और ये हम कैसे अचीव करते हैं, ये अचीव किया जाता है ORG डायरेक्टिव के ज़रिए। ORG डायरेक्टिव के ज़रिए हम स्पेसिफाई करते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे बर्न हो। सो अगर हमने ज़ीरो लोकेशन पे पहली इंस्ट्रक्शन बर्न करनी है तो हम ORG डायरेक्टिव के साथ स्पेसिफाई करते हैं 0H, ORG 0H। जब हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये मेंशन करेंगे तो असेंबलर पहली इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा या बर्न करेगा एट रोम लोकेशन 0। एक प्रोग्राम को फेच करने में या उसे एग्जीक्यूट करने में प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का क्या रोल होता है, इसको बेहतर समझने के लिए हम एक सैम्पल प्रोग्राम लेते हैं और उसकी लिस्ट फाइल को एग्जामिन करते हैं। ओके, लिस्ट फाइल में हमारे पास सोर्स कोड के अलावा उसका मशीन कोड भी मेंशन्ड होता है, साथ में किन लोकेशन पे वो स्टोर है वो भी साथ में स्पेसिफाई किया गया हुआ होता है। सो अगर हम इस लिस्ट फाइल को देखें, इसमें ये हमारे पास सोर्स टेक्स्ट है सैम्पल प्रोग्राम का, ORG 0H डायरेक्टिव है, MOVLW 25H, हम 25H की वैल्यू को वर्किंग रजिस्टर में कॉपी कर रहे हैं, फिर ADLW 0x34 मतलब हम 34H को वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स के साथ ऐड कर रहे हैं, फिर ADLW 11H को अगेन द वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स के साथ ऐड हो रहा है, फिर अगेन ADLW इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू गिवन है डेसिमल फॉर्म में, D सिंगल कोर्स के अंदर 18 है, मतलब हम 12H वैल्यू को ऐड कर रहे हैं वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी ADLW की है, ADLW 1CH, 1CH की जो वैल्यू है ये ऐड हो रही है वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स के साथ। फिर अगली इंस्ट्रक्शन है ADLW बाइनरी फॉर्म में गिवन है B और सिंगल कोर्स के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई की गई है 6H की, इस 6H को भी वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स के साथ ऐड किया जा रहा है। फिर MOVLW वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट्स को कॉपी कर रहे हैं हम एट लोकेशन सम की लोकेशन शुरू में स्पेसिफाई की गई है 10H, रैम की लोकेशन 10H पे जाके रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। फिर एक लूप लगाया गया है, हियर गो टू हियर, प्रोग्राम इधर ही रहेगा, और फिर आखिर में एंड डायरेक्टिव है। सो एक तो लिस्ट फाइल में हमें ये गिवन होता है, सोर्स टेक्स्ट गिवन होता है, साथ में लाइन्स स्पेसिफाई की जाती है, लाइन नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, लाइन नंबर 2 पे कमेंट है, लाइन नंबर 3 में कमेंट स्टोर है, लाइन नंबर 4 में इक्वेट डायरेक्टिव को स्पेसिफाई किया गया है, लाइन नंबर 5 एम्प्टी है, लाइन नंबर 6 में ORG डायरेक्टिव स्पेसिफाई किया गया है, सिमिलरली लाइन 7, 8, 9, 10 अप टिल लाइन नंबर 15। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड्स है जो असेंबलर इसको ट्रांसलेट करता है, सोर्स कोड को जब असेंबलर ट्रांसलेट करता है तो ये हमारे पास इनके ऑब्जेक्ट्स कोड बन जाते हैं। लाइक मेमोरी में स्टोर होता है 0E25, इसका मतलब क्या है, MOVLW 25H। मेमोरी में अगर स्टोर होता है 0F34, इसका मतलब ये है ADLW 0x34। सो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस के अप कोड्स हैं, ऑब्जेक्ट कोड्स है, बाइनरी कोड्स है, ये यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं साथ में, और मेमोरी की किन लोकेशंस में ये स्टोर है। सो यहाँ पर ये मेमोरी लोकेशंस है, 21-bit का हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, सो ये उनके एड्रेस स्पेसिफाई किए गए हैं, एट लोकेशन ज़ीरो कुछ भी नहीं है, सॉरी एट लोकेशन ज़ीरो से स्टार्ट होता है अप टिल जितना हमारा कोड होता है, सो ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। सो ये हमारे पास लिस्ट फाइल है।
ओके एक चीज़ दोबारा देखते हैं, हमें पता है कि जो पिक की जब हम बात करते हैं तो पिक में हमारे पास जो रोम लोकेशंस होते हैं, हर रोम लोकेशन हमारे पास 8 बिट की होती है। इसका मतलब ये है कि एक लोकेशन में 8 बिट का डेटा ही स्टोर होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अगर मूव एल डब्ल्यू इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं तो मूव एल डब्ल्यू इंस्ट्रक्शन का जो ऑब्जेक्ट कोड है वो 16 बिट का है, 0E25H है। हमें पता है कि एक हेक्सा नंबर 4 बिट्स की इक्विवेलेंट होता है। सो अगर हमारे पास 4 हेक्सा नंबर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि 4x4 दिस इज इक्वल टू 16 बिट्स। सो मूव एल डब्ल्यू इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, एड एल डब्ल्यू भी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, मूव डब्ल्यू एफ इंस्ट्रक्शन भी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है। सो जब हम पिक 18 की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे पास पिक 18 में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ज़्यादातर 16 बिट के इंस्ट्रक्शन हैं। मासिव वाई गो टू इंस्ट्रक्शन के गो टू इंस्ट्रक्शन हमारे पास 4 बाइट्स या 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास गो टू जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास 32 बिट्स का इंस्ट्रक्शन होता है। सो अगर हम 16 बिट के इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि हमारे जहन में ये आना चाहिए कि 8 बिट की एक लोकेशन में तो पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं हो सकेगा। सो 2 बिट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में रोम में स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 लोकेशंस चाहिए होती है। सो एक इंस्ट्रक्शन, एक 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन 2 मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट्स या 1 बाइट की होगी, 8 बिट्स या 1 बाइट की होती है। सो अगर हमारे पास 2 बाइट्स या 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन है तो उसे स्टोर करने के लिए 2 मेमोरी लोकेशंस चाहिए होती है, और अगर 4 बाइट्स की या 32 बिट्स की की इंस्ट्रक्शन है तो उसे स्टोर करने के लिए 4 मेमोरी लोकेशंस चाहिए होती है। सो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन 2 मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होती है। जाहिर बात है वो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगी, और अगर 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है लाइक गो टू की इंस्ट्रक्शन है तो वो 4 मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होती है। ओके लाइक अगर हम यहाँ पर देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 0 इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है 0E25, तो ये मेमोरी लोकेशन 0 भी ऑक्यूपाई करेगा और मेमोरी लोकेशन 1 भी ऑक्यूपाई करेगा। फिर मेमोरी लोकेशन 2 पे स्टोर्ड है 0F34, सो अगेन 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, सो ये मेमोरी लोकेशन 2 भी ऑक्यूपाई करेगा और मेमोरी लोकेशन 3 भी ऑक्यूपाई करेगा। फिर मेमोरी लोकेशन 4 पे जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है दैट इज 0F11, ये मेमोरी लोकेशन 4 भी ऑक्यूपाई करेगा और मेमोरी लोकेशन 5 भी ऑक्यूपाई करेगा। मेमोरी लोकेशन 6 पे स्टोर है 0F12, ये मेमोरी लोकेशन 6 भी ऑक्यूपाई करेगा और मेमोरी लोकेशन 7 भी ऑक्यूपाई करेगा। फिर रोम लोकेशन 8 पे स्टोर है 0F1C, ये रोम लोकेशन 8 भी ऑक्यूपाई करेगा और रोम लोकेशन 9 भी ऑक्यूपाई करेगा। रीज़न वही है कि 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है सो 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको स्टोर होने के लिए। फिर मेमोरी लोकेशन A पे स्टोर है 0F06, ये मेमोरी लोकेशन A भी ऑक्यूपाई करेगा और मेमोरी लोकेशन B भी ऑक्यूपाई करेगा। मेमोरी लोकेशन C और मेमोरी लोकेशन D पे स्टोर है 6E10, जो कि ऑब्जेक्ट कोड है MOVWF सम का, और मेमोरी लोकेशन E, मेमोरी लोकेशन F, मेमोरी लोकेशन 10 और मेमोरी लोकेशन 11 पे हमारे पास गो टू का 4 बाइट का ऑब्जेक्ट कोड स्टोर होगा। ओके एक चीज़ आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में नोट की होगी कि कमेंट्स या डायरेक्टिव्स ये मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई नहीं करते। कमेंट्स प्रोग्रामर की हेल्प के लिए होते हैं ताकि वो प्रोग्राम को आसानी से रीड कर सके, समझ सके, और डायरेक्टिव्स असेंबलर के लिए होते हैं ताकि असेंबलर उन डायरेक्टिव्स की डायरेक्शंस के थ्रू की मदद से प्रोग्राम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करे रोम में। सो ये चीज़ आपने नोट की होगी कि डायरेक्टिव्स ने कोई मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की, स्पेस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ऑक्यूपाई करते हैं। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जो कि CPU के लिए कमांड्स होते हैं वो जाके रोम स्पेस में या कोड स्पेस में स्टोर होते हैं। सो स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। हमने देखा था कि जो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, पिक माइक्रो कंट्रोलर की पहली इंस्ट्रक्शन हमेशा लोकेशन 0 पे बर्न की जाती है,
क्योंकि वो हमेशा स्टार्ट लेता है लोकेशन ज़ीरो से, वो हमेशा पहली इंस्ट्रक्शन फेच करता है फ्रॉम मेमोरी लोकेशन ज़ीरो से। ओके, जो पहली इंस्ट्रक्शन है MOVLW25H, इसका जो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड है दैट इज 0E25। नाउ इस ऑब्जेक्ट कोड 0E25 का की जो लोअर बाइट होगी विच इज 25H, ये स्टोर्ड हो जाती है एट मेमोरी लोकेशन 0, और जो हायर बाइट है जो कि है 0E, ये स्टोर्ड हो जाती है एट मेमोरी एट रोम लोकेशन 0E, एट रोम लोकेशन 1। तो 0E स्टोर्ड होता है एट रोम लोकेशन 1 और 25 जो कि लोअर बाइट है ये स्टोर्ड होता है एट मेमोरी एड्रेस 0। सिमिलरली जो ADLW की इंस्ट्रक्शन है ADLW34H, इसका जो मशीन कोड है दैट इज 0F34, इसमें 34 ऑपरेंड है, लोअर बाइट है, तो ये लोअर बाइट स्टोर्ड हो जाता है एट मेमोरी एड्रेस 2, और जो ADLW का अप कोड है 0F, ये स्टोर्ड हो जाता है एट मेमोरी लोकेशन 3। सिमिलरली बाकी इंस्ट्रक्शन भी इसी फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। ये याद रखिए हमेशा कि जब हम पिक की बात करते हैं तो लोअर बाइट मेमोरी की लोअर लोकेशन में स्टोर्ड होता है और हायर बाइट मेमोरी के हायर लोकेशन में स्टोर्ड होता है। लाइक अगेन MOVLW25H को अगर हम देखते हैं तो इसका जो मशीन कोड है 16 बिट का मशीन कोड है 0E25H, इसमें 25H ऑपरेंड है जो कि इसका लोअर बाइट है, लोअर 8 बिट्स है, और 0E इसका अप कोड है MOVLW का 8 बिट का अप कोड है, हायर बाइट है यहाँ पर, ठीक है। सो 25 स्टोर्ड हुआ है एट मेमोरी एड्रेस 0 और 0E स्टोर्ड हुआ है एट मेमोरी एड्रेस 1। ओके, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं बाइट बाय बाइट और समझते हैं कि प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल है इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में और फैचिंग में। नाउ जब पिक माइक्रो कंट्रोलर बूट होता है, जब पिक माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होता है, जब वो पावर्ड अप होता है, तो प्रोग्राम काउंटर के इनिशियल कंटेंट्स होते हैं 0। सो ये हमेशा पहली इंस्ट्रक्शन उठाएगा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 0 से उठाएगा। सो ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन 0 से 25 को उठा के ले आएगा प्रोसेसर में। नाउ चूँकि ये 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, सो ये इंस्ट्रक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि ये पूरी इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर लेता। सो फिर ये अगला बाइट उठाएगा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1 से। जैसे ही ये अगला बाइट 1 से उठाएगा, ये अपने आप को इंक्रीमेंट कर देगा और प्रोग्राम काउंटर की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 2। नाउ हमारे पास पूरी इस पूरी इंस्ट्रक्शन 0E25 जब आ जाती है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना होता है, 0E को वो डिकोड करेगा। 0E का मतलब ये है कि उसने इमीडिएट वैल्यू को वर्किंग रजिस्टर में कॉपी करनी है या ऑपरेंड को कॉपी करना है वर्किंग रजिस्टर में। सो वो क्या करेगा, वो जो लोअर बाइट उसने उठाया था रोम से, वो 25 को वर्किंग रजिस्टर में कॉपी कर देगा। फिर इसी तरीके से वो मेमोरी लोकेशन 2 पे जाएगा, मेमोरी लोकेशन 2 से वो 34H को उठा के लेके आएगा। अगेन इंस्ट्रक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। सो वो अगली मेमोरी लोकेशन 3 से 0F को उठाएगा। 0F को जब वो डिकोड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या करना है, उसने ADLW ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब उसने जो इमीडिएट वैल्यू जो ऑपरेंड वो उठा के लेके आया है उसे वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ ऐड करना है और रिजल्ट स्टोर करना है वर्किंग रजिस्टर के अंदर ही। सो वर्किंग रजिस्टर के पहले कंटेंट्स थे 25, अब इन 25 के साथ वो इन 34 को ऐड करेगा और रिजल्ट को अगेन वर्किंग रजिस्टर में ही स्टोर कर देगा। ये करने के बाद वो अगली मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, मेमोरी लोकेशन 4 पे जाएगा, वहाँ से 11 को उठा के लेके आएगा, फिर मेमोरी लोकेशन 5 पे जाके 0F को उठा के लेके आएगा। 16 बिट की ये वाली इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली जब आ जाएगी वो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। 0F अप कोड है ADLW का, इससे उसको पता चल जाएगा कि जो ऑपरेंड वो उठा के लेके आया है, जो इस केस में 11H है, इसको उसने ऐड करना है वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ। सो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ 11H को ऐड कर देगा और रिजल्ट को वर्किंग रजिस्टर के अंदर ही स्टोर कर देगा।
इसी तरीके से वो अगले इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। अगर 2 byte की इंस्ट्रक्शंस है तो वो 16 bits को उठा के लेके आएगा इंस्ट्रक्शन के, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हमारे पास 4 bytes या 32 bit की इंस्ट्रक्शन है तो वो एक एक बाइट करके इन 4 bytes को लाने के बाद ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, PKTM में प्रोग्राम मेमोरी या रोम स्पेस बाइट एड्रेसिबल होता है। बाइट एड्रेसिबल का मतलब ये है कि PKTM में रोम की बिट 8 bit या 1 byte की होती है। इसका मतलब ये है कि एक लोकेशन में PKTM की एक रोम लोकेशन में एट अ टाइम 8 bit का डेटा स्टोर होता है। नाउ अगर हमारे पास डेटा बस 8 bit की डेटा बस हो तो 8 bit का डेटा एट अ टाइम उस पर ट्रेवल करता है या एक मेमोरी लोकेशन का डेटा उस पर ट्रेवल करेगा। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहें तो हम इसकी डेटा बस को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। अगर इस डेटा बस की साइज़ को हम 16 bit कर दें तो ये 2 bytes का डेटा या 2 memory locations का डेटा एट अ टाइम सेंड कर सकेगा, ट्रेवल कर सकेगा इसके ऊपर। इसी तरीके से अगर मज़ीद बेहतर करना चाहें तो अगर हम इसी डेटा बस को 32 bit की कर दें तो 4 bytes का डेटा या 4 memory locations का डेटा इसके ऊपर ट्रेवल कर सकेगा। अगर हम PKTM की बात करते हैं तो PKTM में हमारे पास डेटा बस 16 बिट की है। इसकी एक रीज़न तो ये है कि 8 बिट के मुकाबले में 16 बिट करने से इसकी एक रीज़न ये है कि एक तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। एट अ टाइम एक ही साइकिल में 2 bytes का डेटा इसके ऊपर ट्रेवल कर सकेगा। दूसरा ये कि चूँकि PKTM में ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस 2 byte के इंस्ट्रक्शंस हैं या 16 bits के इंस्ट्रक्शंस हैं तो एक इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में डेटा बस के ज़रिए प्रोसेसर तक पहुंच सकी। सो अगर हम PKTM की बात करते हैं तो PKTM में हमारे पास जो डेटा बस है D0 से लेकर D15 तक टोटल 16 lines होते हैं। सो 16 bit का डेटा इसके ऊपर ट्रेवल कर सके। नाउ हमने देखा कि हमारे पास PKTM में मैक्सिमम हमारे पास जो रोम लोकेशंस होती है वो होती है 2 mega की, 0 से लेकर 1FFFFFF तक। हर लोकेशन 1 byte की होती है, इस वजह से हम इसको बाइट एड्रेसेबल कहते हैं। लेकिन इनको ऑर्गेनाइज कुछ इस फॉर्म में किया जाता है। मेमोरी लोकेशन 1 जो कि हाई बाइट है, मेमोरी लोकेशन 0 लो बाइट, और उसके साथ ही जो मेमोरी रोम लोकेशन होती है वो होती है 1, फिर रोम लोकेशन 2 एंड रोम लोकेशन 3, रोम लोकेशन 4 एंड रोम लोकेशन 5, सिमिलरली 6, 7 एंड सो ऑन। सो हर लोकेशन 1 byte की है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज इस तरह किया गया है कि हम एट अ टाइम डेटा बस एट अ टाइम इनसे 16 बिट का डेटा उठा सके। नाउ जब PKTM माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम काउंटर की इनिशियल कंटेंट्स होते हैं 0। सो वो क्या करेगा कि पहली साइकिल में वो मेमोरी लोकेशन 0 से और मेमोरी लोकेशन 1 से ये 16 बिट का डेटा एक ही साइकिल में एक ही गो में रोम लोकेशन से मेमोरी CPU ले आएगा। अगर इंस्ट्रक्शन 2 byte की है तो एक ही साइकिल में पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड वो प्रोसेसर आ जाएगा। अगर 4 byte की इंस्ट्रक्शन है तो 4 byte की इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए 2 cycles चाहिए होंगे। लिटिल इंडियन वर्सेस बिग इंडियन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनका हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज गुलिवर्स ट्रेवल जो स्टोरी थी जिसमें इस बात पर बहस हो रही थी कि एग को बिग एंड से
ओपन करें या डेटा लाइन से ओपन करें, सो वहाँ से बेसिकली टर्मिनोलॉजीज ली गई है। जब हम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो बेसिकली इनका मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन की लोअर बाइट को मेमोरी की पहली लोकेशन में स्टोर करें या दूसरी लोकेशन में स्टोर करें, या जो हायर बाइट है उसको पहली मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाए या दूसरी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करें। सो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स या डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर को अपनाती है, कुछ लिटिल इंडियन पे काम करती है और कुछ बिग इंडियन पे काम करती है। जब हम पिक 18 की बात करते हैं तो पिक 18 लिटिल इंडियन को फॉलो करती है। लिटिल इंडियन का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन की जो लोअर बाइट है वो पहली मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी और जो हायर बाइट है वो दूसरी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इधर उन इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं जो इससे पहले हम सैंपल प्रोग्राम में देख रहे थे, हमारे पास अप कोड था MOVLW25H का जो ऑब्जेक्ट कोड आ रहा था दैट वाज 0E25H। सो मैंने आपको बताया है कि जो पिक 18 है ये लिटिल इंडियन को फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि जो लोअर बाइट 25H था वो पहली मेमोरी लोकेशन मतलब 0 पे स्टोर होगा और 0EH जो कि हायर बाइट है वो मेमोरी लोकेशन 1 पे स्टोर होगा। सिमिलरली जो अगला ऑब्जेक्ट कोड था दैट वाज 0F34H ADLW34H का जो ऑब्जेक्ट कोड बन रहा था उसमें जो लोअर बाइट है 34H वो स्टोर होगा एट मेमोरी लोकेशन 2 और 0FH जो कि अप कोड था ADLW का वो स्टोर होगा एट मेमोरी लोकेशन 3। सो लिटिल इंडियन में क्या होता है कि लिटिल इंडियन में लोअर बाइट लोअर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और जो हाई बाइट होता है इंस्ट्रक्शन का वो हायर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। बिग इंडियन में इसका अपोजिट होता है। बिग इंडियन में क्या होता है कि जो हायर बाइट होता है वो लोअर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और जो लोअर बाइट होता है इंस्ट्रक्शन का वो हायर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये पिक 18 बिग इंडियन को फॉलो करता तो 0E स्टोर होता 0 पे और 25 स्टोर होता 1 पे। सिमिलरली 0FH का जो कोड है वो स्टोर होता मेमोरी लोकेशन 2 पे और 34H का जो कोड है ये स्टोर होता मेमोरी लोकेशन 3 पे। लेकिन पिक 18 बिग इंडियन को नहीं लो लिटिल इंडियन को फॉलो करता है, सो लोअर बाइट हमेशा लोअर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा और हाई बाइट हमेशा हायर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।